पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गठबंधन प्रत्याशी का बड़ा बयान, मोदी और बीजेपी को हटाने के लिए हर कुर्बानी को तैयार हैं। संबल लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने दिया बयान। मीडिया को दिया बयान में कहा, देश से बीजेपी और मोदी को हटाने के लिए गठबंधन हर कुर्बानी को तैयार है। कल मतगणना के बाद देश को मिलेगा नया पीएम। ये है कि बीजेपी ने पूरी जो 5 साल गुजारे हैं वो झूठ पर गुजारे हैं। जैसे झूठ उसमें बोला है वैसे ही इस एग्जिट पोल में भी झूठ है। ये भी टोटल झूठ का पुरंदा है और हमें उम्मीद है कि सरकार उसकी गठबंधन की बनेगी। तो ये एग्जिट पोल बीजेपी ने किया है क्या है? अरे बीजेपी जो जो एग्जिट पोल करने वाले हैं वो सब उनके हाथों प्रधानमंत्री तो गठबंधन में से कोई भी हो सकता है। मायावती भी हो सकती हैं और मतलब ये कि वो भी हो सकती हैं, वही क्या नाम है बंगाल वाली ममता बनर्जी भी हो सकती हैं और अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। और मतलब ये है कि वो अभी तो आपस में तय करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहकेगा नहीं। मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमारा गठबंधन देगा वो कुर्बानी। संबल लोकसभा का तो मैं तो उससे टोटली सेटिस्फाइड हूँ कि इंशाल्लाह मेरी जीत लाखों से होगी। इसकी बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और हमने भी अपनी यानी इसकी देखभाल के लिए इसकी व्यवस्था हमने अलहदा से भी की है जो इनकी परमिशन से मिली है। फिर राजनीति में जो ये गड़बड़ होने लगी, पहले लोग ईमानदार थे, पहली राजनीति ईमानदारी पर निर्भर थी, लेकिन इस वक्त राजनीति जो है वो लोग कमाने पर अपने लगे हुए हैं और इस वजह से बहरहाल हालात बहुत ख़राब। मैंने पूरी ज़िंदगी सियासत को इबादत समझ के किया, इसलिए कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री काम किया। मेरी दुकान हर वक्त खुली रहती है और फ्री सौदा।